वेलकम टू टेक्निकल ट्यूब गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने प्राइवेट सेफ के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो चलिए जानते हैं। सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाने के बाद प्राइवेट सेफ में, तो यहाँ कोई भी अपना गलत पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ बोलिए फॉरगेट पासकोड, ये आ गया। अब इसे आपको रीसेट करना है। ये एक ऑप्शन आता है रीसेट थ्रू सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ये मतलब कि जब भी आपने पासकोड को या पासवर्ड को लगाया था, जब आपने सिक्योरिटी कोड लगाया होगा, वो एक क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर आपने लगाया होगा, उससे आप इसे कर सकते हो। व्हाट्स योर फादर नेम? मैंने अपने फादर का नेम लगाया था, तो मैं इसे अपने फादर का नेम डाल करके कर सकता हूँ। देखिए दूसरा तरीका जानते हैं, रीसेट थ्रू सिक्योरिटी ईमेल एड्रेस। ये जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में उस वक्त ईमेल आईडी लगी हुई थी जब आपने पासकोड लगाया था प्राइवेट सेफ का, जब आपके फ़ोन में ईमेल आईडी लगी हुई थी, यहाँ से वो देखिए ये आपको डालना पड़ेगा। डन कर दीजिएगा, वहाँ जाएगा, आप चेंज कर पाएंगे। और एक और चीज़, रिसेट थ्रू ओप्पो आईडी। ये ओप्पो आईडी के थ्रू डायरेक्ट होता है। तो देखिए ये आ गया। मैं आप अगर इसका भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ फॉरगेट पासकोड करिए, नीचे ये लोडिंग होता है। देखते हैं अभी क्या खुल गया था। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ आपको करना होगा फॉरगेट पासकोड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फॉरगेट पासकोड को क्लिक करेंगे, ये लोडिंग हो रहा है, इसे चल लेना। मेरे सर्वर नहीं आ रहे ढंग से, सर्वर आते तो ढंग से फटाफट हो जाता, आपका जल्दी हो जाएगा। ये आती है, देखिए अब ये आ गया। ये आपके ओप्पो आईडी जो है बिना ईमेल के नहीं बन सकती है, तो आपको यहाँ बाय टैपिंग सेंड बटन ईमेल एड्रेस ऑन दिस, यहाँ पर आप सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड जाएगा, उसे यहाँ वेरिफिकेशन कोड को यहाँ डालिए, वेरीफाई करिए और आप अपने ओप्पो आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके थ्रू आप अपने प्राइवेट सेफ का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मैं टेक्निकल चीज़ें आपके लिए लेता आऊँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ वीडियो आपको कैसी लगी।